हाय गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जब कोई इग्नोर करे ना, जब कोई इग्नोर करे तो क्या करना चाहिए? जब हमें कोई इग्नोर करता है तो हमको क्या करना चाहिए? ये सीख जाओगे ना, अगर इस चीज़ को सीख जाओगे ना तो किसी का बाप का मजाल नहीं है कि आपको इग्नोर करे। कुछ कुछ टिप्स मैं आपको बताऊँगा आज, अगर उस चीज़ को जान लेते हो ना तो किसी का बाप का मजाल नहीं है कि आपको इग्नोर कर दें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप चैनल पर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, शेयर कर सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब करने आज नहीं बोलूँगा। आज इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि आज टॉपिक ही वैसा है, इसीलिए मैं आज आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। तो इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन यही है कि आप लोग इस चीज़ को जान सको कि आखिर लोग इग्नोर क्यों करते हैं, पार्टनर इग्नोर क्यों करते हैं, दोस्त इग्नोर क्यों करते हैं, आखिर रीज़न क्या है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्ती के बारे में बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है पता है? कभी कभी ये होता है कि आपका दोस्त भी इग्नोर कर रहा है आपको। क्यों इग्नोर कर रहा है पता है? आप समझ नहीं पा रहे हो कि मेरा दोस्त मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। आप अगर समझ जाते हो ना तो आपका दोस्त ना कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता है आपको। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आपका दोस्त जब इग्नोर करता है ना आपको तो क्यों करता है इग्नोर, इस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। इसलिए आपका दोस्त इग्नोर करता है आपका क्योंकि आपका कोई औकात ही नहीं है, आपका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए आपको ना इग्नोर कर रहा है आपका दोस्त। क्योंकि उसको आपके साथ बात करके ना टाइम वेस्ट नहीं करना है, उनको आपके साथ बात करके टाइम को बर्बाद नहीं करना, टाइम को ख़राब नहीं करना है। उस जितना टाइम आपसे बात करेंगे ना उतना टाइम कोई उसमें कोई काम कर लेगा। वो आपको इतना गिरा हुआ नीचा, इतना सब कुछ समझ रहा है आपका दोस्त, इसीलिए आपको ना इग्नोर कर रहा है, आपको ना कोई अहमियत ही नहीं दे रहा है, आपका कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, आपका कोई औकात ही नहीं समझ रहा है, ठीक है ना। आपको धरती का बोझ समझ रहा है, इसलिए धरती का बोझ समझ रहा है क्योंकि ज़िंदगी में आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हो ना, इसी के कारण तो आपका दोस्त आपको इग्नोर कर रहा है ना। अदरवाइज इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जब कामयाब हो जाओगे ना तो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता है। आपका दोस्त हो, कोई भी हो, आपका रिलेशनशिप भी क्यों ना हो, कोई इंसान आपको इग्नोर नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आपको ना इस चीज़ को जानना पड़ेगा, आपको जो इग्नोर कर रहा है तो किस कारण से। ऑब्वियसली यही कारण होगा ना, क्योंकि आपके पास तो पैसे है ही नहीं, क्योंकि कोई काम कर नहीं रहे हो, किसी में ग्रो नहीं कर रहे हो, किसी में कामयाबी नहीं हासिल कर रहे हो, किसी में तरक्की नहीं हासिल कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ना आपको तो इग्नोर करेगा ही। तो सबसे पहले आपको ना अपने अपने गोल पे फोकस करना पड़ेगा। अगर अपने लाइफ में आप अगर चाहते हो कि मुझे कोई इग्नोर ना करे ना, तो सबसे पहले ना आपको अपने लाइफ में ना अपने गोल को फोकस करना पड़ेगा। अगर अपने लाइफ में अगर ग्रो कर जाते हो ना आप, तो जो दोस्त आपको इग्नोर कर रहा था ना उसका मजाल नहीं है कि कभी आपको इग्नोर कर दे। किसी का औकात नहीं है आपको इग्नोर करने का। जब आप कामयाब होके दिखा दो, ठीक है, तरक्की करके दिखा दो, किसी का बाप का मजाल नहीं है आपको इग्नोर कर देगा। वैसे ही आपके साथ ना, वैसे ही जितना जैसे आपका दोस्त आपको इग्नोर कर रहा ना, वैसे ना कभी कभी आपका घर वाले भी इग्नोर करते हैं आपको, क्योंकि आप तो काम धंधा करते नहीं हो, लड़की के पीछे घूमते रहते हो, इधर उधर अड्डा मारते रहते हो, दिन भर में फ़ोन चलाते रहते हो, काम काज तो है ही नहीं, सो के उठते हो 12 बजे। तो इसमें आप लोग, आपका घर वाला अगर आपको चूतिया नहीं समझेगा तो क्या समझेगा बताऊँ? क्योंकि आपका कोई तो एम्बेशन ही नहीं है ना, कोई मकसद ही नहीं है ना। अगर मकसद नहीं होगा तो उसका क्या उपाय होगा? कुछ नहीं, कोई तरक्की का कुछ सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि तरक्की करना पड़ेगा ना आपको, अगर तरक्की नहीं करोगे तो कामयाबी कहाँ से आएगा? जिस इंसान कामयाबी के शिखर पर चलते हैं ना, उसका ना हमेशा इज्जत होता है, हमेशा उसको ना वैल्यू देता है लोग। फिर ना आप देखना, कभी भी आपका ना आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकते, किसी का बाप का मजाल नहीं आपको इग्नोर कर दे। तो गर्लफ्रेंड भी कभी कभी क्या होता है ना, आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना,
स्टार्टिंग में तो रिलेशन बहुत अच्छा खासा चल रहा है आपका, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है ना, आपका औकात जान लेता है आपका गर्लफ्रेंड, बीच बीच में आपका औकात जान लेता है आपका गर्लफ्रेंड, इसीलिए क्या होता है ना, आपको ना बीच बीच में ना इग्नोर करते रहता है, क्योंकि आप तो कुत्ता हो ना, उसके पीछे पीछे भागोगे, क्योंकि जो 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 उनके पीछे भागता है तो वो तो कुत्ता ही होता है ना, इसीलिए ना उसको प्राउड हो जाता है, आपके पार्टनर को प्राउड हो जाता है कि ये तो मेरे पीछे पीछे आना ही है, इसको भीख मांगना ही है मेरे लिए, क्योंकि भीख कब मांगते हो आप, क्योंकि वो जब आपको इग्नोर करे तभी भीख मांगते हो आप, अपने भीख मांग मांग के ना उसको अपने रिलेशन में लाने के लिए भीख मांग रहे हो, तो जो इंसान भीख मांगता है ना उसका कोई औकात ही नहीं होता ना, उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है ना, जिस इंसान का कोई वैल्यू नहीं है उस इंसान का कोई अहमियत नहीं है, जिस इंसान का कोई वैल्यू नहीं होता है ना उस इंसान का कोई अहमियत नहीं करता है, उसका कोई लेवल का नहीं समझता, उसको कोई अपने साथ में नहीं रखना चाहता है, तो वैसा ही ना आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड कर रही है, क्योंकि आपके बारे में सब कुछ आपकी गर्लफ्रेंड को पता चल जाता है, इसी के कारण ना आपको आपका पार्टनर इग्नोर करता है, इसलिए आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि आप अपने लाइफ में तो फोकस कर ही नहीं रहे हो ना, सिर्फ उनके पीछे में पड़े रहते हो आप, उनके पीछे में पड़े रहते हो, फ़ोन पे फ़ोन, बातचीत पे बातचीत, कितना बातचीत करेगा, फ़ोन से थोड़ी ज़िंदगी चलता है, बातों से थोड़ी ज़िंदगी चलता है, कामयाबी के शिखर में चलोगे तभी ना कुछ आपका पार्टनर आपको उतना पसंद करेगा, लेकिन आप तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो ना, दिन भर में अड्डा मार रहे हो और 12 बजे सो के उठ रहे हो, तरक्की का कोई ख्याल ही नहीं है, बिजनेस करना है, ग्रो क्या करना है, नहीं करना है, कुछ ख्याल ही नहीं है, अपने लाइफ में क्या करना है उसके बारे में कुछ सोच के ही नहीं रखते हो आप लोग, इसी के कारण आपका पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा दबा के ना इग्नोर मारता है। अगर जब आप अपने लाइफ में अगर तरक्की हासिल कर लोगे ना, जब अपने लाइफ में आप तरक्की हासिल कर लोगे ना, कामयाबी के शिखर पर चले जाओगे ना, जो बंदी आपको इग्नोर कर रहा है, जो बंदा आपको इग्नोर कर रहा है ना, कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता है, वो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि उसको हमेशा इस चीज़ का डर रहेगा, अगर मैं आज इनको इग्नोर करूँगा या करूँगी तो कल ये किसी और के साथ चला जाएगा, इसीलिए ना वो कभी भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि आप उस बुलंदियों में हो कि कोई भी आपके साथ रहना चाहेगा, कोई भी आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना लाइफ को ना सबसे पहले प्रोग्रेस करो, बेटर बनाओ अपने लाइफ को, किसी का बाप का मजाल नहीं है ना तब आपको इग्नोर कर दे, किसी का बाप का मजाल नहीं है आपको इग्नोर कर देगा, पहले तो कामयाब हो जाओ आप, अगर कामयाब नहीं होगे तो हर कोई तो आपको इग्नोर करता है ना, करता है और करता रहेगा, क्योंकि जो इंसान का कोई अस्तित्व नहीं उसका कोई वैल्यू नहीं करता है ना, पहले ना अपना पहचान बनाओ, पहले अपना पहचान बनाओ, अगर अपने लाइफ में हर किसी का इंटेंशन पाना चाहते हो ना तो पहले अपने लाइफ में ना कामयाब बन जाओ, अपने लाइफ में क्या करना है उस चीज़ का एम्बिशन कर लो, किस चीज़ में ग्रो करना है उस चीज़ में फोकस करो, यहाँ अगर आप फोकस नहीं करते हो ना तो कभी भी तरक्की हासिल नहीं हो सकता है, कभी भी हासिल नहीं हो सकता है। आज जो आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो आपको जो इग्नोर कर रहा है ना, इसीलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि आपका औकात उनको पता है, आप कितना तक चढ़ सकते हो आगे, कितना आगे जा सकते हो, कितना तक तरक्की कर सकते हो, वो तो आपका रग रग से वाकिफ हो जाता है ना, तो आपको कितना आपके साथ झेलेगा वो, क्योंकि आपका हर वो चीज़ पता है उनको, क्योंकि वो तो आपका पार्टनर है ना, वो जो आपका पार्टनर है तो उसको तो हर चीज़ पता है आपके बारे में, आप कब सो के उठते हो, कब खाना खाते हो, कब क्या करते हो, तो उस चीज़ को तो उसको तो हर चीज़ के बारे में पता है ना, आपका फ्यूचर कहाँ जा रहा है उस चीज़ को तो वो तो पहले ही देख रहा है। अगर 25-27 साल के उम्र में अगर आप ऐशबाजी कर रहे हो, कम्फर्ट जोन में रहते हो ना, तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हो, कम्फर्ट जोन से ना आपको निकलना पड़ेगा, अगर तरक्की करना चाहते हो ना तो कंफर्ट जोन से ना आपको निकलना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है, जब तक आप कंफर्ट जोन से जोन में रहोगे ना कभी भी तरक्की नहीं हो सकता है, कभी भी तरक्की नहीं हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दोनों दोस्त एक पार्टी में जाता, एक पार्टी में जाने के बाद सबके साथ ना इंट्रोडक्शन होता है, एक निठल्ला होता है, एक
कामयाब होता है। दोनों दोस्त है, एक निठल्ला होता है एक कामयाब होता है। दोनों का जब इंट्रो होता है ना तो निठल्ले को ना कोई इंपोर्ट ही नहीं देता है। क्यों पता है? क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है ना। और जो कामयाब होते हैं ना उनके बारे में उनके सामने 10-10 लोग बात करते हैं। इसलिए बात करते हैं उस आगे वो क्या करना चाह रहा है उस चीज़ को जानना चाह रहा है उनका दोस्त। लेकिन आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। इसीलिए ना आपसे दो बात करने के बाद ना लोग ना मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि आपका कोई फ्यूचर ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है ना। जिनका कोई स्कोप नहीं है उसको तो कोई वैल्यू ही नहीं देगा ना, उसको कोई औकात का समझेगा ही नहीं। जब आप तरक्की कर लोगे ना, जब आप तरक्की कर लोगे तो किसी का बाप का मजाल नहीं आपको इग्नोर कर दे, आपको ठुकरा दे कोई भी चीज़ में। भले ही आपका गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, अपने दोस्त क्यों ना हो, अपना घर वाला क्यों ना हो, हर कोई आपको ना इग्नोर करेगा अगर आप कामयाब नहीं होगे तो। आपको ना सबसे पहले अगर आप इग्नोर नहीं होना चाहते हो ना किसी के सामने में, अगर आप किसी के सामने में इग्नोर नहीं होना चाहते हो ना तो सबसे पहले ना आपको अपने लाइफ में ना आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आगे नहीं बढ़ोगे ना तो कभी भी हर कोई इग्नोर करेगा। तो सबसे पहले आपको ना अपने लाइफ अपने आप में गांठ बांध लेना है कि मुझे लाइफ में प्रोग्रेस करना है, ग्रो करना है अपने लाइफ में। अगर आप अपने लाइफ में ग्रो कर जाते हो ना तो किसी का मजाल नहीं है कि आपको इग्नोर कर दे, किसी का मजाल नहीं है कि आपको ठुकरा दे। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करना, सब्सक्राइब मत करना क्योंकि अच्छा लगे फिर तभी सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना, लेकिन शेयर जरूर करना।